हाँ जी तो नमस्कार, क्या समाचार। मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं बंजारा क्लिप्स। तो इस पूरी ऑडियो वीडियो में मैं ऑडियो क्लिप जो है वो वॉइस ओवर करूँगा, क्योंकि इस टाइम मेरा माइक ऑफ हो गया था इस पूरी वीडियो में और मुझे पता ही नहीं चला। तो कुछ जगह जैसे चालू है तो वहाँ मैं आपको पूरा ऑडियो सुनाऊँगा, बाकी पूरी वॉइस ओवर रहेगी। तो ये जहाँ पे हम रह रहे थे पहले पेट्रोल, मैं आपको पेट्रोल पंप के बनाया था, जहाँ पर हम रह रहे थे ये है पटौदी के पास एक छोटा सा हेली मंडी करके, और यहाँ से अभी हम लोग आगे निकल रहे हैं अपने घर के लिए। तो ये जो पटौदी का एरिया ना यार, वैसे तो आप सबको पता है किस लिए फेमस है, सैफ अली खान के महल के लिए, पटौदी पैलेस के लिए। बट यहाँ पे क्या है ना यार, यहाँ पे और एक बात कुछ है, एक यहाँ पे इस टाइम से मुझे मंडी बहुत तगड़ी लगती है। तो ये जो रास्ता देख रहे हो ये तो अभी खाली है, क्योंकि अभी हम प्रॉपर उसमें एंटर नहीं हो पता दी। बट ये देखो मंडी जो है, ये पूरी मंडी पटौदी की है और ये इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो सुबह सुबह इस मंडी में ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। भैया मैं मंडी से जैसे तैसे निकल के आया था, तो मेरा जो दोस्त था वो पीछे रह गया था, तो मैं उसको कॉल कर रहा था कि वो कहाँ रह गया। उसको कॉल किया, कॉल लगी ना था, जब कॉल किया तो पता लगा कि वो आगे निकल गया था। तो मैंने भी जल्दी जल्दी बाइक बुलाई और मैं बस उसको ढूंढने के लिए निकला था। मैंने ये हमारा लास्ट डे था पटौदी में, क्योंकि इसके बाद हम लोग परमानेंट अपने घर आ गए थे और यहाँ से फिर हम किसी और सिटी के लिए मूव होने वाले थे। तो रास्ता मतलब एकदम बढ़िया था यार, और इसमें एक चीज़ की और थी कि ये रास्ते में हम लोग, ये मेरा फ्रेंड है जो तो मतलब कभी आगे कभी पीछे हमारी चलती रहती थी जोड़ी, और ये स्कूटी से था और मैं बाइक से, और मतलब मज़ा लेते थे यार हम लोग पूरा। हमारी बाइक और स्कूटी दोनों चीज़ पूरी ओवरलोडेड थी, क्योंकि हम वहाँ पर रेंट पर रह रहे थे, तो जितना भी सामान था वो पूरा बांधा था बाइक पे और स्कूटी पे, और फिर हम लोग निकल गए। तो इसके बाद जो है ना यार, यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था, तो सूरज की रोशनी बहुत तगड़ी आ रही थी, और मेरा जो हेलमेट था उसका मैंने वाइजर ओपन कर रखा था, क्योंकि जो सब पुराना वाला हेलमेट था उसका वाइजर थोड़ा खराब था, तो वाइजर ओपन था। तो जो आपकी हल्की हल्की ठंड के साथ सूरज की रोशनी पड़ रही थी वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पड़ रही थी। और पटौदी से निकल गए थे हम, और ये अभी हम जो पहुँचे हैं ये है आपका बिलासपुर के पास में, और बिलासपुर हाईवे के पास में थे और बिलासपुर लगभग लगभग पहुँचने वाले थे। तो इस हिसाब से हम लोग वहाँ वहाँ भी गाड़ियाँ चल रहे थे, क्योंकि यार सुबह सुबह के टाइम पर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था। और बिलासपुर पहुँच गए, इस जगह पर हम बिलासपुर पहुँच चुके थे, और यहाँ से हम लोगों ने रोड के उस तरफ जाना था, क्योंकि इधर की सारी वो क्रॉसिंग बंद कर रखी थी। पीछे भी 2 किलोमीटर था और आगे भी लगभग दो से चार किलोमीटर आगे था। तो फिर हम यहाँ से उस तरफ जाने लगे, और वहाँ जाके ही हमको रोड क्रॉस करना था। तो जैसे आप देख रहे हो रास्ता एकदम स्मूथ था, रास्ता बहुत बढ़िया चल रहा था इस हिसाब से। तो जो हाईवे है ना, मतलब पूरा अभी खतरनाक हाईवे बोल सकते हो, इसलिए हम लोग नीचे उतर के तब यहाँ से हम लोगों ने बाईपास लिया। और जैसे आप देख रहे हो मैंने लिया, हॉर्न देख लिया था, बल्कि फिर भी बंदे को चुलती जल्दी जल्दी कार घुसा के अंदर लेकर आया। खैर जो भी है, यहाँ से अब हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, और रोड क्रॉस करने के बाद मैं अब आपको मिलता हूँ आगे। तब तक आप ये थोड़ा म्यूज़िक का और इसका एंजॉय लीजिए। बहुत मन था, तो देखते आगे कहीं रुकते हैं। वहाँ रुक के पहले सबसे पहले चाय पी जाएगी, क्योंकि इस ठंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड है। यहाँ एक दुकान पे मुझे मिली चाय, तो मैं हम यहाँ रुके यहाँ चाय के लिए। और ये एक बार हमारी गाड़ियों का हालत देखो आप, फिर मेरी बाइक देखो कितनी भरी हुई है, तो इसकी स्कूटी भी उस हिसाब से भरी हुई है। तो कोई बात नहीं यार, यहाँ चाय ली, चाय वगैरह पी के यहाँ से फिर हम आगे निकले, और आगे से थोड़ी दूर आगे जाके ही हम सोना के पहाड़ों के पास रुके। सुबह सुबह का वेदर यहाँ से बहुत ही अच्छा लगता है यार। तो मतलब जो देख रहे हो लोग वैसे भी खड़े रहते हैं, तो ये इसका सुबह सुबह का वेदर रहता है।
एकदम खूबसूरत, और सिटी एकदम प्यारी लगती है यहाँ से, देखने लायक सिटी है। मतलब यहाँ पे वर्थ इट है, यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने राइडर्स को आते हुए देखा है, काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ पे सब लोग इंजॉय करते हैं। तो ये कुछ इस तरह थोड़ी देर बिताने के बाद यहाँ फिर हम लोगों ने सोचा कि हमें निकलना चाहिए, और मन तो नहीं हो रहा था बट फिर भी हम लोग अपने अपने बाइक पर बैठे और यहाँ से निकलते बने। कुछ इस तरीके से ये ट्रिप चली, और थोड़ी दूर चलने के बाद हमें याद आया कि हमारे भाई साहब को तो रास्ता कट लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका कट पीछे रह गया था। तब एक ही ऑप्शन था उनके पास कि पहाड़ी पूरी करके फिर वो कट ले सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने पहाड़ी का रास्ता पूरा कवर किया जितना जल्दी हो सके, और यहाँ से निकल के हम लोग, मगर मन नहीं कर रहा था यहाँ से, मतलब पहाड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी थी, बट फिर भी क्या ही कर सकते हैं, देख रहे हो कैसे कैसे लोग हैं। मतलब उस तरफ से गाड़ी आई जा रही थी, इस तरफ से इतनी नहीं थी, बट फिर भी चले जा रहे थे। और यहाँ पे इस पहाड़ी पे ये आया, ये रास्ता थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रहता था, यहाँ पे एक्सीडेंट के थोड़े ज़्यादा ही चांस रहते हैं, बट फिर भी चलो कोई हम लोग जैसे तैसे करके निकल गए। और ये जो है रास्ता हम लोगों ने लगभग लगभग पार कर लिया, और वो हमारा जो फ्रेंड था वो मतलब अपने रास्ते में कट लिया, और मैं भी अपने घर के नज़दीक आ चुका था। तो यहाँ घर के पास आने के बाद मुझे फिर से चाय की तलब, चाय पी थी मैंने, और ये मेरा घर आ चुका है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो वॉइस ओवर की है, आप लोगों को बताया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ना अच्छा लगा कमेंट में गाली देना। धन्यवाद।